आई एम बैक इन माई नॉर्मल लाइफ। 2 दिन से मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा नॉर्मल अपने एक्टिविटीज़ में आ गई हूँ, और इसीलिए आज सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ और जिसमें आप लोगों से बात कर सकूँ। लगातार मीडिया से कॉल आ रहा था और सुशांत से जुड़े हुए कई सवाल जवाब, बहुत सारी बातें वो कर रहे थे, पर जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहा था वो मुझे लग रहा था कि ना बोलते ही कुछ बन रहा था और चुप रहने में भी घुटन हो रही थी। अगर कुछ बोला जाए तो एक ही बात हो रहा था कि लाइमलाइट में आने के लिए सब लोग बात कर रहे हैं, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इस तरह की बातें जब हो रही थी तो लगा कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। शायद इन सब के बारे में तभी बात हो सकता है जब आप इमोशनली इन सब चीज़ों से निकल चुके हों और थोड़ी बैलेंस्ड हो चुके हों। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इस सदमे से कैसे उबरा जाए, और ये ताजुब की बात है कि जब मैं सुशांत के घर गई अंकल से मिलने तो मैं बहुत ही घबराई हुई थी कि मैं क्या बात करूँगी, कैसे उनको क्या हिम्मत दूँगी, एक नर्वसनेस थी घर जाने से पहले। लेकिन जब मैं परसों घर गई तो मैंने गौर किया कि मैं वहाँ जिस हिम्मत देने की बात सोच रही थी और जो नर्वसनेस थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। अंकल से मिलकर ऐसा लगा कि मैं उनसे हिम्मत पा रही हूँ। तो ऐसे में क्या ही आप बात करोगे और क्या ही हिम्मत दोगे। लेकिन अंकल, आई डोंट नो, ही इज़ डिफरेंट सोल, इतने स्टेबल, इतने शांत, पता नहीं अनकहा कुछ कहते हैं वो, जैसे उनकी पूरी एनर्जी ही पूरी डिफरेंट है। दीदी से मिली, मुझे लगता है कि मैं वहाँ हिम्मत लेकर आई हूँ और ये समझ लेकर आई हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े घटना के बावजूद ज़िंदगी कैसे अपने आप चलती है और आपको चलाना पड़ता है। और अंकल को देखकर सच में अंदर से कुछ चेंज हुआ है और मैं नॉर्मल लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बीच में काफ़ी वीक फील कर रही थी कि मैं जो मुझे लगता है जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, ऐसे वाली फीलिंग आई थी, बट आई एम बैक। और मैं वहाँ सिर्फ एक ही शब्द कह पाई, मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही कि अंकल मैं हमेशा पटना आती हूँ और मैं जब भी आऊँगी आपसे मिलने आऊँगी। और ये सच है, मैं साल में एक बार पटना आती हूँ, मुझे अपने घर अपने परिवार से मिलने के लिए, यहाँ मुझे एक अलग एनर्जी लेने के लिए मैं यहाँ आती ही रहती हूँ। तो आई नो ना, वेन एवर आई विल कम आई विल मीट अंकल। और मीडिया से कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में वो एक जो सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रही हैं, आप कब जा रही हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि ये मोमेंट बहुत ही पर्सनल होता है, ये बहुत ही कनेक्शन ही अलग होता है। हर चीज़ के लिए मीडिया को बताना या मीडिया को उसका प्रूफ देना ये थोड़ा ऑड है, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता रही हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, और उस बेहतरी का जो कारण है वो अंकल हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत हिम्मत मिला, और उनसे जो हिम्मत मिला है वही हिम्मत मैं अपनी माँ से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मॉम सच में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और दुखी थी, मेरे जाने के नाम से परेशान हो जा रही थी, बहुत पैनिक वाला माहौल था। हो सकता है सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते ही हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक घबराहट, एक चिंता, उसका जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो हम लोगों ने ये फील किया कि जो बीच में प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन। हम लोग, स्पेशली मैं, मुझे नहीं औरों का शायद नहीं पता, मैं बहुत हल्की फुल्की बातें करती हूँ माँ से, बहुत मुश्किल वाली बातें नहीं करती, इतनी शेयरिंग नहीं होती जो मैं फेस कर रही होती हूँ। डर एक कारण है कि कहीं माँ को स्ट्रेस ना हो, लेकिन अब समझ में आया है कि गहरी बातें
मदर फादर से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से करनी चाहिए, और उनको उससे स्ट्रेस नहीं होता बल्कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो थोड़े निश्चिंत रहते हैं। और मेरी माँ ने कहा कि तुम बच्चे लोग बहुत कमज़ोर समझते हो हम पेरेंट्स को, लेकिन ये भूल जाते हो कि तुम लोग की परवरिश हमने की है, तुम लोगों से जुड़े हुए बचपन में ऐसे ऐसी घटनाएं हैं जो तुम लोग को शायद याद नहीं होगा, लेकिन हम लोग वो हैंडल करते हैं। तो क्या जब बड़े हो जाते हो तब हम तुम लोग की ये छोटी छोटी परेशानी हैंडल नहीं कर सकते? कम से कम शेयर करने से हो सकता है कि हम कुछ सलाह दे सके अपने एक्सपीरियंस से और अपने समझ से। एंड आई थिंक शी इज़ राइट। और तब से मैंने हमारे बीच का जो टाइम है, जो बातचीत है, मुझे लगता है काफ़ी चेंज आ गया है। एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अंकल सुशांत के डैड। बहुत बहुत हिज डिफरेंट, वो जो पेन है और जो उनकी अनकही जो एक एनर्जी बातें हैं, वो बिल्कुल आपको एनर्जी से जीवन में होपफुल करके भर देती हैं। आपको वो निराश नहीं करते बल्कि आपको पॉजिटिविटी देते हैं, पता नहीं कैसे। मैं बस प्रे कर रही हूँ कि उनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहे और वो दूसरों को ऐसी हिम्मत देते रहें। भगवान, बस मे भी भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है और वही वो एनर्जी शायद सबको स्प्रेड कर रहे हैं। एंड आई विश सुशांत के केस में जस्टिस हो, बस मैं ये प्रे कर रही हूँ। मुझे लगता है ही इज़ वॉचिंग एवरीथिंग और जो भी होगा बहुत बहुत करेक्ट होगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच मुझे फिर से वो पॉजिटिविटी देने के लिए, ज़िंदगी के लिए होपफुल करने के लिए, ये फील करवाने के लिए कि ज़िंदगी सच में चलने का नाम है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होते हैं, पर आप रुक नहीं सकते, आपको बढ़ना होगा। थैंक यू अंकल।